आने जाने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि दिल्ली में पहली बार आपके सांसद आपके द्वार गिरी चौपाल लगाई जा रही है, जिसमें सभी विभाग के आला अधिकारी आज आपके दरबार बैठे हुए हैं गिरी चौपाल में। तो सभी से अनुरोध है, ये मौका पहली बार आपके क्षेत्र में खुद आपके घर में ये मौका मिल रहा है, तो उसका लाभ उठाए। ये गिरी चौपाल एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई व्यवस्था हमने चालू की है। जैसे एक एमपी है और एमपी 40 लाख जनता को रिप्रेजेंट करता है, अब लोगों को उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इस चौपाल के जरिए हर वार्ड में हर बुधवार को जाना तय किया। पहले विधानसभा कवर कर रहा हूं और चौपाल लगा रहा हूं, रोड पे बैठता हूं, जितने संलग्न अधिकारी है सबको रोड पे बैठाता हूँ साथ में और लोगों की समस्या सुनता हूँ। तो सभी अधिकारियों से विनती है कि हम लोग कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुना है हमने, आज ये रिकॉर्ड हमें नहीं बनाना है। कितने लोग यहाँ पर आए ये भी रिकॉर्ड नहीं बनाना है। जितने लोग आए उसमें हमने लगभग सभी का काम आज ही निपट दिया, ये रिकॉर्ड हमको बनाना, इतना याद रखिएगा। हर नागरिक को साथ जोड़ना पड़ेगा, हम जोड़ रहे हैं, नागरिक को एम्पावर कर रहे हैं। अधिकारी उस नागरिक को आंसरेबल है और यदि वो आंसर नहीं देता है, यदि वो सही कार्रवाई नहीं करता है और वो हमारे नोटिस में आता है, तो हम उस अधिकारी पे कार्रवाई करेंगे। हमारा यही दिशा होगी, हमें पूरे ब्यूरोक्रेटिक ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे इन्हीं अधिकारियों से देश की हालत कभी बिगड़ी भी है तो इन्हीं अधिकारियों ने गुजरात को बनाया भी है। बॉक्स के सागर जी का है ये जो ढलाव घर है, ये ढलाव घर बनाने के सी ब्लॉक वाला, क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी? 8 महीने हो गए, 8 महीने में एस्टीमेट ही नहीं बना, कमाल है। ये फरवरी में टूटा था। हाँ जी, ये फरवरी में टूटा था। मैडम खड़ी है, मैडम ने उद्घाटन किया था, पूछ लो कब किया था, सी ब्लॉक था। आप पूछो उनसे, आप उनसे पूछो पहले, फिर बात करो जी, आप उसके बाद बात करो। फैक्ट्स आपके पास अगर हो तो पहले मैडम से पूछो। मेरे पास ही फैक्ट्स है, सर मैं आपको बता दूं, आपके पास ही फैक्ट्स, मेरे पास भी है, जो मैं बात कर रहा हूं। 6 महीने हो चुके, कम से कम 6 महीने हो चुके, मैडम खड़ी है। अरे सर बोलो, चलो ठीक है जी, 8 महीने मेरे को लिखने दे दो, 8 महीने लिख के। गिरी जी। मेरे लेटर हेड भी यही होते हैं, यहीं पर सिग्नेचर करता हूं, यहीं पर ऑर्डर निकालता हूं, ऑफिशियली काम निपटारा भी यहीं पर हो, इसके लिए भी उन लोगों को बोलता हूं। और हमारे देखने में ये आया, 1,000-2,000 लोग विजिट करते हैं, 20-25,000 लोग देखते हैं, निपटारा होता है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं, बहुत सिस्टमेटिक है। हमने एक लेटर दिया, इसकी 3 फोटोकॉपी की है, उसको हम लोग जब अपने मेन टीम पे दे रहे हैं तो उस पर एक महेश गिरी जी का ऐसा एक लेटर है, लग के हमें मिल जा रहा है, जिसकी एक कॉपी अफसर के पास जाती है, दूसरी कॉपी हम महेश गिरी जी के कार्यालय में रहेगी और तीसरी कॉपी मेरे पास है। तो बहुत ईजी है, 7 दिन से मैक्सिमम टाइम 7 डेज का दिया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि जो पिछली भी चौपाल हुई उस पर काम हुआ है। बहुत ही अनोखा एक मुद्दा ये था कि सिवा की पाइपलाइन डल गई थी जसोदा गांव में, काम तो ठीक चल रहा था लेकिन एक जगह पर आकर गली पतली हो जा रही थी और वहां पर सिवा की पाइपलाइन का काम अटक रहा था। जो अधिकारी है और जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो निचले अधिकारी है और जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हें उस काम को कंटिन्यू रखने के लिए अपने चीफ इंजीनियर की परमिशन की जरूरत थी या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की परमिशन की जरूरत थी। जब तक वो परमिशन नहीं मिलेगी काम नहीं आगे बढ़ेगा। एमपी साहब ने यहाँ एक फ़ोन किया, वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है उसको निर्देश दिए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरिट्स पे केस को देखते हुए हम इस काम को परमिशन देके 2 फीट की खुदाई करने की परमिशन देते हैं और काम को 2 दिन के अंदर शुरू करवा देते हैं। तो ये गिरी चौपाल की सफलता की कई कहानियों में से ये भी एक कहानी है। हमने एक फ्लैट बुक कराया था, अलॉटमेंट हो गया लेकिन मैंने उसको सरेंडर कर दिया जनवरी में, उसका मैं रिफंड चाह रही थी। आज April 18 हो गई है, अभी तक रिफंड नहीं मिला है। मैं 2 बार जाके वहाँ पे उनको एप्लीकेशन दे आई, कैंसल्ड चेक एवरीथिंग दे दिया, बट कोई रिफंड नहीं था। तो आप पता चला यहाँ पे गिरी चौपाल है, तो मैंने सोचा यहाँ आके अपनी देखूँ, अगर शिकायत कोई सुनता है तो। टचवुड, महेश जी ने मेरी बात सुनी, उनके ब्रदर ने मेरी बात सुनी और मुझे अपॉइंटमेंट दिया कल के लिए, होपफुली काम हो जाएगा कल। ये एक अच्छी पहल है, अच्छी बिगिनिंग है, लोगों के अपेक्षा के अनुरूप काम हो रहा है,
जिसके लिए दर दर हम अलग अलग ठोकर खा रहे थे, एक जगह ही सारे समाधान जो है नज़र आता। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स पदाधिकारी भी दे रहे हैं। ये तो खैर हुआ कि हमारे डोर स्टेप पे थोड़ा काम हो गया, हम यही कहेंगे। इसके लिए हम मेशगिरी जी को धन्यवाद कहते हैं। भी इन्होंने जैसे हमने आवेदन दिया, इन्होंने मार्क कर दिया, बात हो गई, आई वाज अश्योर्ड के भाई अब आपका काम 2-3 दिन में हो जाएगा। इनका एक वर्कर थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने कोऑपरेट किया, वो मेरे को लेके गए सैनिटेशन डिपार्टमेंट। उन्होंने लिख दिया कि 20 तारीख को आपका काम हो जाएगा। और ये इन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की है, जब एक ही जगह पर सब हर बात की सुनवाई हो रही है और हाथों हाथ ये अश्योरेंस भी मिल रहा है और उम्मीद भी हम लोग कर रहे हैं कि ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बड़ी अच्छी शुरुआत है। बहुत लोगों ने इसको सराहा है, क्योंकि जनता के बीच में सड़क पे ही जाके हम बैठते हैं, तो ये गिरी चौपाल के लिए मैं आपको भी सबको बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हर बुधवार को एक नए वार्ड में ये लगेगी, निरंतर लगती रहेगी, ताकि लोगों को सुविधाएं मिलती रहे।